अस्सलाम असल होप यू आर फाइन वेलकम टू नीड अनटोल्ड गाइडेंस कहते हैं कि अंत बला तो सब बला दीस थ्री मंथ्स आर गोइंग टू डिसाइड योर प्रिपरेशन एट द नेक्स्ट लेवल मैं आपको बताना सिंपली जा रहा हूँ ये कि यार अभी तक जिसने नहीं छोड़ा है इन तीन मंथ्स में नहीं छोड़ना है किसी ने अच्छा किया अभी तक और अगर वो इन तीन मंथ्स में अच्छा नहीं करेगा देन इट्स ऑल वेस्ट किसी ने थोड़ा अच्छा किया ना अगर इन इन मंथ्स में बहुत ज़्यादा वर्क करी जाए साइंटिफिकली विद गुड स्ट्रैटी तो आपका एक पोटेंशल जो है वो मैक्सिम लेवल तक पहुंचेगा सो हमारे साथ बने रहे इन तीन मिनट्स में अब आप हम आपको बताने जा रहे हैं हाउ डू डू दीज थिंग्स वेरी नाइसली फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली वॉट यू गो नाट डू इज सिंपल आप एक टारगेट बनाओ कि मेरे को ना इंद्रू और फैब के मंथ में आई है होल सिलेबस दैट इज योर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू टू वर्ड द नीट इन तीन मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हुआ

उनके पार्ट वाइज सिलेबस पे आप ऑर्डर भी कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से तो वो टेस्ट के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से रिवाइज करें जो आपने सिलेबस कवर किया है सो यू कवर द सिलेबस टू टाइम्स वन सिंपली थ्रो ए नोट्स एंड बेसिक क्वेश्चंस टू थ्रो अगेन क्वेश्चंस बट अलग लेवल के क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के जरिए दैट्स वेरी नाइस फॉर यू और अल्टीमेटली जो लास्ट मंथ आपका आ रहा है दैट इज़ अप्रैल अप्रैल में आपको फिर से उन चैप्टर्स को मैं उनको बोलता हूँ हॉट चैप्टर्स लाइक थर्मोडाइनमिक्स लाइक ऑप्टिक्स लाइक काइनेटिक्स ये काइनेमेटिक्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स इन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है इनके फार्मलेशन्स देख लिए इनके बेसिक uh, पॉइंट्स देख लिए देन अगेन यू गोना सॉल्व द क्वेश्चन जो गलत हुए हैं मिस्टेक्स एनालिसिस और अपने इन दिन अप्रैल में कैसे रिवाइज़ करना है पहले आज अलेवन्थ दिया कल ट्वेल्थ दिया अलेवन्थ ट्वेल्थ अलेवन फुल सिलेबस फुल सिलेबस फुल सिलेबस फुल सिलेबस के जरिए से आपको रिवाइज करना है लास्ट के मंथ में दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रियली नाइसली तो इन क्रैक हो जाएगा और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट बट इतना भी नहीं कि आप वो सुसाइडल थॉट्स आने लगे वो उतना मैनेज करना है स्ट्रेस को कि सुसाइडल थॉट्स ना आए या आपको स्ट्रेस से इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि आप पढ़ नहीं पा रहे मैं आपको बोल रहा हूँ इन इन तीन मंथों तो की बात है यार तीन मंथ्स आपके लिए डिसाइडिंग हो रही आप अपनी लाइफ में ये तीन मंथ्स हमेशा याद करेंगे आज वो कहते रहे अंत बला तो सब बला ये इस तरीके से मेहनत करने की पूरी लाइफ आपको ये तीन मंथ्स जो है याद रहे बस याद रहना चाहिए तीन मंथ्स हाँ भाई तब हो जाएगा और हो जाएगा यार अगर नहीं भी बिवाना तो क्या है अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दो मैं खुद ही लौट जाऊँगा मुझे नाकाम तो होने दो या ये एक रवैया होना चाहिए या होना चाहिए कि आई हैव नो रिग्रेट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इन लाइफ देर आर लॉट मोर एग्जाम्स टू वर्क ऑन विद हाफ प्रिपरेशन ऑफ द नीट इससे कम सिलेबस होता है अपना गोल देखो और आपको क्या करना है देन अगर आपके पास रिग, रिग्रेट नहीं है अगर रिग्रेट नहीं रिग्रेट है तो फिर आप री स्टार्ट कर सकते लेकिन आई वॉन्ट सजेस्ट दैट आई आई सजेस्ट टू ऑल वाइज टू वर्क टायरलेसली फॉर दीज अपकमिंग थ्री मंथ्स बेस्ट ऑफ लक स्टे कनेक्टेड थैंक यू